गाजा में जारी हिंसा के बीच इजराइल को लेबनान के संगठन हिजबुल्ला से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसा दावा है कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी सैन्य झड़प अब अपने चरम पर है। हिजबुल्ला लड़ाके अपने जबरदस्त वार से इजरायली सेना पर लगातार हावी हो रहे हैं। अपने हाईटेक हथियारों और मिसाइल लॉन्चर के दम पर लड़ाके इजरायली सरजमी और कब्जे वाले इलाकों पर तैनात IDF पर भीषण बमबारी कर जमकर तबाही मचा रहे हैं। हर दिन हिजबुल्ला फाइटर इजरायली बलों पर हमलों की एक नई सीरीज फायर कर रहे हैं। इस बीच लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने रविवार को इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन सीमा पर तैनात IDF के खिलाफ कई अभियान चलाए। हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान के अल आइशिया गांव के ऊपर एक इजरायली हरमीज 450 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दोहराया कि गाजा में फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोध के समर्थन में घातक पलटवार किया जा रहा है। साथ ही ये कार्रवाई दक्षिणी लेबनानी गांवों और नागरिक घरों पर इजरायली हमलों के जवाब में हो रही है। बताया गया कि हिजबुल्ला ने अपना पहला ऑपरेशन सुबह 7:30 बजे किया, जिसमें हाईटेक हथियारों के साथ शोमेरा बस्ती में इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत को निशाना बनाया गया। इसके बाद सुबह 9:30 बजे लंबी दूरी के हथियारों के साथ डोवेक बैरक के पास एक नए स्थापित निगरानी उपकरण को निशाना बनाया। दावा है कि लड़ाकों ने हार्डवेयर पर सीधे हमला किया और उसको नष्ट कर दिया। वहीं सुबह 10:30 बजे हिजबुल्ला ने बताया कि उसके फाइटर्स ने भारी बुरकान रॉकेट्स का इस्तेमाल करके जल अल अलम साइट के दक्षिण में इजरायली सैनिकों पर हमला किया। रेजिडेंस ने दावा किया कि इजरायली बलों ने मिसगाव एम मिलिट्री बेस पर पहले से लक्षित निगरानी उपकरणों को बदलने के बाद उसके लड़ाकों ने नए हार्डवेयर को तबाह कर इजरायली हौसले पस्त किए। इसके अलावा आल मलिकिया बेस पर निगरानी उपकरणों को भी निशाना बनाया गया और सीधे हमला किया गया। वहीं दक्षिणी लेबनानी गांवों और नागरिकों पर इजरायली बलों के जवाब में लड़ाकों ने मेटुला बस्ती में इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल 2 इमारतों को उड़ा डाला। हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया कि इजरायली सेना ने एक उच्च रैंकिंग वाले रिजर्व अधिकारी की मौत की बात स्वीकारी है, जो उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में अरब अल आराम से शहर को निशाना बनाकर हिजबुल्ला के ऑपरेशन में घायल होने के बाद मारा गया था। बता दें, बीते 17 अप्रैल को हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइलों और हमलावर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर इजरायली टोही कंपनी के एक नए कमांड सेंटर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा किया था। संगठन ने खुलासा किया कि उसने 2 गाइडेड मिसाइलों से हमला किया, इसके बाद सीधे एक तरफा ड्रोन से हमला किया गया था। इस हमले में इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि इस दौरान सायरन की आवाज नहीं आई थी और न ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ था। लिहाजा लेबनानी बॉर्डर पर हालात की गंभीरता को देखते हुए इजरायली सेना ने अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। इजरायली सेना ने पहले ही ऐलान किया था कि वो गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाकर उन्हें लेबनान बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा है। इसे हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल के हमले की बड़ी तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात है कि इजरायल पहले भी लेबनान पर हमला कर चुका है, इसमें लेबनान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन आज के वक्त में हिजबुल्ला काफी ताकतवर है, जो इजरायल को आसानी से जीतने नहीं देगा।